अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के फॉर्म जो हैं वो लगना स्टार्ट हुए हैं 6 अप्रैल से। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म गलत फिल कर दिया या किसी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट क्यों हुआ उसका फॉर्म, वो हम ऑलरेडी जो है दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो लंबी प्रोसेस है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म गलत सबमिट किया, फ़ी उसने सबमिट की या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उसको वो एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो किस तरह से वो कर सकता है। तो इसी पे हमारा ये वीडियो आज का है। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमारी टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को एडिट फॉर्म करना है तो वो पॉसिबल है, एडिट आप कर सकते हैं। जब तक लास्ट डेट इस फॉर्म की है तब तक आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जो जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके वेबसाइट पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा चेक एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी और कैप्शा कोड डाल देना है। कि ये सब कुछ डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एज अ सैंपल आपको एक आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन आईडी लॉगिन कर दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस जो है ये रिजेक्टेड दिखा रहा है, फॉर्म रिजेक्टेड। अब फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको देख लेना है। फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह है या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत डाले हैं या फॉर्म फिल किया है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में अब समझा दूंगा किस तरह से आपको वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट आपका फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो डाले हैं आपने वो यहाँ पे देख सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखे कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है तो आपको करना क्या है, तो ऊपर आपको दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन, यहाँ पे आप टैप करोगे। दोबारा से आपको वही एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पे डालोगे तो आपके पास इस तरीके का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, डॉक्यूमेंट्स आप डिलीट करके दोबारा से अपलोड हो कर सकते हो, जो जो डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया होगा, जैसे डोमोसाइल है, मार्कशीट है, कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद डिसेबिलिटी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारे आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद अगर लिखने में कहीं गलती हुई वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिखने में अगर गलती हुई है तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ठीक होने का, तो उसके लिए आपको जेके बोपी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जेके बोपी में ग्रेव है, ग्रेवियंस या मेल डालनी पड़ेगी, तो वो आप वहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे गलत अपलोड हुए हैं तो जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया, उस तरह से करके आप अपना जो है डॉक्यूमेंट इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं, अपना फॉर्म जो कुछ गलत हुआ है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। होपफुली थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं।